मैं चैनल यार तुम लोग कैसे एकदम स्मूथ किया सभी बहुत बढ़िया होंगे। हाँ भाई आ गया मैं तो ये दूसरा व्लॉग है ठीक है। वो वाला तो हो गया था कल गोवर्धन की हमने वो परिक्रमा करी थी वृंदा बनाए थे उसका तो व्लॉग हो गया। आज जा रहे हैं हम राजस्थान के बॉर्डर पर वहाँ पे चार धाम की वो है मतलब कहते हैं कि विष्णु जी वहाँ पर भी आए थे मतलब चार धाम जैसे वहाँ पे है ना उत्तराखंड में तो वहाँ पर भी है वहाँ पे चार धाम यहाँ पे पूरे मतलब पूरे चार धाम की यात्रा है। तो चलो फटाफट से वहाँ पे चलेंगे टाइम तो बहुत तो चलो अभी चलते हैं और दिखाता हूँ मैं भाई कैसे कैसे और भाई हम सोए थे हमसे 12 बजे और 12 बजे सोए थे हम और फिर 6 बजे उठा दी हम तो 12 बजे सोए 6 बजे तो भाई नींद आई थी बहुत बढ़िया पर उठना पड़ा फिर चलो अब चलते हैं फटाफट से। तो भी अभी रास्ते में देखते हैं यार क्या आएगा सब राधा मंदिर वंदिर तो बहुत यहाँ पे हमें लगा था उपदिन आ जाएंगे लेकिन गोपीनाथ आ गया। हाँ ड्राइवर ने ताऊ ने काट दिया ताऊ ज्यादा खतरनाक है उसे सुबह बीड़ी नहीं मिली कट गया। हाँ नहीं तो वो पूछा देता उसने गाइड को भी भगा दिया कह रहा है कि इनको मुझे सब पता मैं ले जाऊँ लेके आके कह रहे गोपीनाथ के दर्शन कर लो केदारनाथ के बद्रीनाथ के तो हो जाएंगे बाद में शीर के दर्शन करने को मिलेंगे चलो चलो बेटे कैसा मंदिर है वो भी देखेंगे ज्यादा खतरनाक नहीं लगा तो फटाफट चलते हैं लेट्स गो। ये ना दरवाजा और ये रही शहरी पपलू बैस काट लेंगे ये है गाइस गोपीनाथ मंदिर देख लो भाई कितना पुराना गोपीनाथ के दर्शन कर लिए और ये जो पंडित जी बता रहे थे कि जो मंदिर है 900 साल पुराना तुमने चित्रकार तो देख ली होगी जैसे ऊपर वो बनने की दीवार पर और फिर तुमने देखा होगा ईंट हुई सब दीवार दीवार ये दिख रही होगी तुम्हें तो अब फटाफट चलते हैं और उसके बाद जाएंगे हम बद्रीनाथ उसके बाद मेरी हाथों बात का तो वो अभी तो बस में चलते हैं सब जाके हम तीनों जाएंगे यहाँ पे और तो घूमते घूमते आ गए थे मतलब घर वाले ने कहा अभी यहाँ पे आ गए थे तो हम भी आ गए उनके पीछे पीछे भी दिखाते हैं देखो भाई दिख रहा होगा कितना शानदार है भाई ये देखो अंदर है भाई जो है चित्रकारी देखो दोस्तों चित्रकारी देखो आप बने हुए देखो ये उठे हुए हैं कुछ गाइज ये देखो गाइज कभी देखा ना हो आपने मतलब मुझे ऐसा लग रहा यहाँ पे अज्ञातवास में जब पांडव आए थे पांच भाई यहाँ पे मतलब यहाँ पे रुके थे वो अज्ञातवास में तो ये था ये भाई तुमने देखा होगा जहाँ वो जो था पूरा जैसे बेड टाइप से था ना उसपे वो पांचों भाई बैठा करते थे उस पे भी रुके थे वो अज्ञातवास में ये बताते हैं देखो तुम मैं दिखा दूंगा देखो तुम्हें ढंग से एक आला टाइप जिसे कह दे भाई देसी भाषा में उसमें वो मटका रखते थे अपना बद्रीनाथ यार इतने देर बाद पत्नी यार का क्या करा न ताऊ ना आज न खा दिया मैं भी हम भी साल दे भाई ब्रेक साल दे भाई ब्रेक ब्रेक रुको इन्ने ना देखी कैसी रोड है रोड तो खराब थी
खराब थी रोड तो दही थोड़ी हमारी बढ़ गए हम सो रहे भाई दर्शन करेंगे रबी नुगे नुगे दर्शन जल्दी कर लो बंद हो सके अब फटाफट से चलते दर्शन करेंगे उसके बाद देखेंगे भाई आगे कैसे होंगी हम तो कम से कम ये मान लो एक घंटा पहले पहुंच जाते हैं यहाँ पे पर 2 किलोमीटर पहले ही बताया कोई मिलेगा वो कैनेडा का रास्ता बंद है इस वजह से अगेन जा सकते फिर पूरा घूम पाना पड़ा इस वजह से टाइम लग गया खत्म तो 1 घंटे पहले पहुंच जाते हैं यहाँ पे तो फटाफट चलना पड़ेगा यार क्योंकि दर्शन बंद होने वाला सब निकल भी गए और मैं ही रह गया मैं तो अभी दर्शन करते हैं उसके बाद देखते हैं यार कहाँ कहाँ चलना है हरा दिख रहा है आ गए हैं छोटे बद्रीनाथ हम लोग कभी सोचे कि देर से आया तो उनको पता नहीं यहाँ पे क्यों आया किसने प्रकट किया कौन यहाँ पे इंस्टॉल किया भगवान को इनके स्थापना हाँ तो स्थापना इनका स्वयं भगवान कृष्ण ने किया है बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री सब इसीलिए यहाँ पे बद्रीनाथ केदारनाथ आया है यहाँ पूरा है और अभी नीचे एक नरसिंह देव का मंदिर भी जैसे वहाँ जोशी मठ में एक मंदिर है ना जितने लोग गए उनको पता होगा उत्तराखंड में जोशी मठ में एक मंदिर है तो यहाँ पे भी कुछ नीचे नरसिंह देव का मंदिर लोग नरसिंह देव के कल दर्शन करे थे यहाँ पे नरसिंह देव का मंदिर भी है यहाँ पे हरिद्वार भी है अलकनंदा भी है नीलकंठ भी है और ये सामने कुंड नहीं तप्त कुंड है आप बद्रीनाथ जाएंगे ना तो वहाँ पे अलकनंदा बहुत ठंडी है लेकिन ऐसे छोटे 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 से कुंड है वो गर्म पानी है उसमें नेचुरली गर्म पानी है उसमें कोई गर्म पानी करता नहीं है और वो कुंड कभी खाली भी नहीं होता सब लोग नहाते हैं कुंड कभी खाली नहीं होता 24/7 गर्म पानी रहता है उसमें तो ये वाला तप्त कुंड भगवान ने तप्त कुंड की भी स्थापना की ऐसा नहीं किया कि भाई चार चीज बिठा दिया बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री पूरा एनवायरनमेंट वहाँ का यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया चलते हैं अब गंगोत्री यमुनोत्री आ गए हैं चलो दीदी लो लो ये भी हैं क्या करोगे दिखा दिया मैंने तुम्हें अब बताओ अब मेरा व्लॉग अच्छा चल जाए बस अब फटाफट चलते हैं अपना घर पे कह रहा हूँ यहाँ गंगोत्री देखते हैं कैसे हैं भाई अब देखूंगा यहाँ भी और कुछ कुछ लड़की ऐसी जो भगती थी देख देख कर गाय को खा जाएंगे वहाँ से भैया को कोल्ड ड्रिंक हाँ वो एक सांस में खींच गए भैया उनकी बड़ी बहन ने पिलाया वो उनकी बड़ी बहन ने वो बोली थी स्पेशल वासु के लिए लाई स्पेशल वासु के लिए लाई हूँ वासु बेचारा पी गया वासु का मुंह बन गया करियो क्या पिला दिया अभी चलते हैं फटाफट से और दिखाता हूँ मैं मुंह बन गया अरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे गंगा नदी है अभी सूख गई तो ऊपर से गंगोत्री हो गया और ये जो ये बीच में आ रहा है ना ये एक यमुनोत्री का है और वो उधर जो पड़े पत्थर पड़े वो अलकनंदा है और नीचे संगम भी हुआ है ये संगम नीचे और जहाँ खड़ी है ये है लक्ष्मण झूला है ना क्या ना सब जा रहे हैं हर की पौड़ी लक्ष्मण झूला और जो था भाई अपना क्या नाम है मुझे आ रही रख लूँ पर मैं लक्ष्मण झूला था और भाई अपना वो गंगोत्री यमुनोत्री था वहाँ पे तो वो हमने देख लिया अब जा रहे हैं अपना वहाँ पे आ चुके हैं अभी चलते हैं फटाफट से और 350 सीढ़ियां हैं फटाफट से जाएंगे तो ये दिख रही होगी भाई तुम्हें सीढ़ियां ये उस साइड से ही है आने की शायद वो जाने की है Oh,
देखा होगा भाई व्यू कितना गहरा, बहुत ऊपर हम अब नीचे चलते हैं। अब बुलावा आ लिया है तो फटाफट से नीचे चलते हैं, उसके बाद खाना वाना खाएंगे अपना। देख रहे हो भाई चट्टान में बिल्कुल बीच में बना हुआ है पूरा मंदिर केदारनाथ है। चलते हैं फटाफट से नीचे और यहाँ पे देखो फोटो शूट हो रहा है इनका। तो अब वृंदावन हो गया, यहाँ पे हो गया, फिर जब मैं उत्तराखंड गया था सिरकुंडा देवी वहाँ पे था। मन तो भाई यहीं जाओ बढ़िया है यार। चलो अभी एक दो फोटो खींच लेते हैं भैया के और फिर चलते हैं अपना नीचे आराम से। अभी आ चुके हैं फिसलती शिला पे और उसके बाद करेंगे हम हो जाएगा तो मैं खाना खाएंगे ना। नहीं दिखाता हूँ देखो यार फिसलती शिला, अभी मुझे पता नहीं चल पा रहा हूँ पहाड़ों पे। चलो चलते हैं, चलो चलो। ओ आराम से, कहाँ जा रहा ले भाई ले ना भाई, मैं अपना उसमें आऊंगा। चलो तो अभी अपने दिखाते क्या है फिसलती शिला कैसे ऐसे क्या करूँ था मैं, क्यों दिखाऊंगा आपको, नहीं मुझे नहीं दिखाना। चलो भगवान कृष्ण खेला कर फिसलता है, अच्छा मर्जी है कितनी बार। कृष्ण का है अपने दोस्त खेलते तुम्हारे तो फिर अरे खेलने तो पूरे ब्रज में जाते थे, रुकते थोड़ी थे। मैं तो दोबारा जाऊंगा। चलो दोबारा चलते हैं, यहीं पे भाई कृष्ण जी वो करते फिसलते थे।